बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी जो स्टडी है उसमें रेगुलरिटी बनाए रखे होंगे। तो आपकी जो स्टडी है उसको और भी अच्छा करने के लिए मैं आपके लिए छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ, जो हर्ट से रिलेटेड टॉपिक है। और वो जो टॉपिक है वो वैसे तो 11th क्लास का है, बट मेरा पर्पज है नीट के अकॉर्डिंग वो टॉपिक आपके सामने क्लियर करना। उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कौन सा क्वेश्चन आया हुआ, मैं आपको ये भी बताऊंगी, बट हम उस पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे उस क्वेश्चन की। तो देखिए, आपकी जो 11th क्लास है NCERT के सिलेबस में, उसके अंदर आपके टॉपिक चलता है हार्ट का। आप सबको ये बात मालूम है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, वो सारे क्वेश्चन नहीं बता रही मैं। वहीं से एक छोटा सा टॉपिक ले रही हूँ, जिस टॉपिक का नाम है कार्डिक आउटपुट। कि कार्डिक आउटपुट क्या होता है, मैं इस क्वेश्चन की बात करूँगी आपके सामने। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन किस टाइप से पुटअप होता है, हम वो भी बात करेंगे। तो कार्डिक आउटपुट वाले क्वेश्चन को समझने के लिए मैं पहले थोड़ा सा हट बिल्कुल स्लो पॉइंट में बताऊंगी, बिल्कुल थोड़ा सा बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगी मैं आपको, क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो ये तो है ही नहीं ना। तो देखिएगा, क्वेश्चन कार्डिक आउटपुट को समझने से पहले ये भी पूरा कार्डिक आउटपुट ही एक साथ समझा देती हूँ। तो देखिए, अब आप सबको ये पता है वुमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है ना, ये मालूम है आपको? 4 चैम्बर है, राइट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, और ये जो वेंट्रिकल है यहाँ से क्या जा रही है, पल्मोनरी आर्टरीज जा रही है, ये बात मालूम है आपको? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ से ये वेना केवा लगी है, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हार्ट में एंटर कर रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, ऑर्गन से आ रहा है, ये बात आप सबको मालूम है। ये मैं नहीं समझा रही, आप सबको मालूम है ऑलरेडी। तो राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा ये कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाएगा फॉर द ऑक्सीजनेशन के लिए। इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीडेशन हो गया। लंग्स में ये किसके लिए जा रहा है, ऑक्सीजन के लिए तो जा रहा है, ताकि इसके साथ में क्या ऐड हो जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए। तो ये लंग्स में चला गया क्या होने के लिए, इसका ऑक्सीडेशन होने के लिए, यानी इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई। अब जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो जो ब्लड है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, है ना, ये बात आपको मालूम है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। कहाँ आ गया ये लेफ्ट और लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ऑर्गन्स में जाएगा। ऑर्गन्स में जाकर के फिर डीऑक्सी, क्योंकि ऑर्गन में जाएगा तो ऑर्गन में अपनी ऑक्सीजन दे दी, ऑक्सीजन देते फिर से क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ये यही प्रोसेस है, आप सबको यहाँ तक सभी बातें मालूम है। लेकिन अब जो मैं बता रही हूँ वो आराम से सुनना आप लोग। देखिए, यहाँ पे कौन सा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, यानी लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। हमें क्या सीखना है, कार्डिक आउटपुट सीखना है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। अब यहाँ देखिए, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जितना है उतना है। अब लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा और वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन होगा। तो जैसे ही वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन आएगा तो इसमें क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है ना। ऊपर वाले हिस्से में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, नीचे वाले हिस्से में रिलैक्सेशन, तो ऊपर से ब्लड कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो यानी कि इसमें ब्लड कब तक आता जाएगा, आप सोच रहे हो कब तक आएगा इसमें ब्लड,
जब तक इसके अंदर क्या होगा, डाइस्टोल। अब डाइस्टोल किसको बोलते हो, रिलैक्सेशन को बोलते हो, है ना। यानी कि जब तक लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर डाइस्टोल हो रहा है, तब तक एट्रियम से ब्लड कहाँ आ रहा है, यहाँ आता जा रहा है। तो आप इसे क्या कह सकते हो, एंड ऑफ। देखो यहाँ पर यहाँ ब्लड कब तक आएगा, जब तक इसके अंदर क्या हो रहा है, डाइस्टोल हो रहा है। तो जब इसमें डाइस्टोल ही पूरा भर गया, अब देखो ये पूरा भर गया, पूरा भर गया, तो इसके अंदर इसका मतलब क्या हो गया, एंड ऑफ। आप कहोगे डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर डायस्टोल होना अब बंद हो गया है, अब डायस्टोल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अब ब्लड भी नहीं आ रहा है, ये पूरा ब्लड से भर गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो आप एक नाम ध्यान में रखोगे, एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम का क्या है, एंड ऑफ डायस्टोलिक किस में हुआ है, वेंट्रिकल्स में हुआ है। किसमें हुआ है, वेंट्रिकल्स में। इतनी बात समझ में आ गई, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में। कब तक, जब तक ये फैल, जब तक इसमें डायस्टोल हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। जब इसमें रिलैक्सेशन बंद हो गया, तो इसमें ब्लड आना भी बंद हो गया, ये पूरा ब्लड से भर चुका है। तो एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा के थ्रू ये ऑर्गन में आ गया, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कॉन्ट्रेक्शन हुआ ब्लड निकल गया, कॉन्ट्रेक्शन हुआ ब्लड निकल गया, समझ में आ गई। एक बार में कितना ब्लड बन निकला है, देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, डाइस्टोल हुआ, तो डाइस्टोल होने से एक बार में, वन टाइम में कितना एमल ब्लड बाहर निकला है, उसे आप क्या कहोगे, स्टॉक वॉल्यूम। स्टॉक वॉल्यूम कहोगे आप इसे, स्टॉक वॉल्यूम आप किसे कहोगे, ड्यूरिंग द सिस्टोल या ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन इन द लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड पुश इन एरोटा टू ऑर्गन इन द वन टाइम। एक बार में कितना ब्लड बाहर निकला है वो क्या हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। एक बार में कितना ब्लड बाहर निकला, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो पर नॉर्मल अगर मैं पर्सन की बात करूँ तो एक नॉर्मल पर्सन में कितना निकलता है, 70 ml होती है स्ट्रोक वॉल्यूम, एक नॉर्मल पर्सन की, हेल्थी पर्सन की। अब यहाँ देखिए, अब आपको ये बात, अब एक यहाँ देखिए, एक बार में ब्लड निकल गया, निकल गया, एक बार में ब्लड निकल गया, स्टॉक वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे एक साथ तो पूरा ब्लड निकलेगा नहीं, एक साथ पूरा ब्लड नहीं निकलता है, ध्यान रखना ये बात। हमारी जो हार्ट बीट होती है वो 72 per minute होती है, यानी 72 times, यानी एक मिनट में 72 times, 72, एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे करके 72 करके ब्लड बाहर निकलता है एक मिनट में, है ना। तो यानी कि एक बार में कितना निकला वो स्ट्रोक वॉल्यूम, वन टाइम में कितना निकला। अब यहाँ रिमेनिंग भी तो रहा, तो बच गया, जो बच गया उसको आप क्या कह दो, एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम किसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर। आपको एक एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम, तब तो क्या है ब्लड आ गया, कितना टोटल ब्लड कितना है वो। एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम के बाद में वेंट्रिकल में कितना ब्लड बचा, कितना ब्लड बचा, वो क्या हो गया, एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या हो गया, एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो आपके पास में क्या है, ये हो गया, ये हो गया, अब ये हो गया, अब वर्ड क्या बचा, कार्डिक आउटपुट बचा। तो वन मिनट में कितना ब्लड रिमूव हुआ वो क्या है, कार्डिक आउटपुट है। एक बार में कितना ब्लड निकला, एक बार में कितना ब्लड एरोटा में गया और ऑर्गन तक पहुंचा वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। और वन मिनट में कितना, तो वन मिनट में 72 times,
72 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में एक बार में कितना निकला है, 70 ml निकला है। आपको क्या पूछे, 1 मिनट का पूछे, तो आप 70 को 72 से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार में हार्ट बीट 72 टाइम है, 1 मिनट में कितनी 72 टाइम है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है एक बार में, एक मिनट में नहीं एक बार में स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है, तो 70 ml है। और 1 मिनट में कितनी बार कॉन्ट्रेक्शन होगा, 72 टाइम होगा। अपनी हार्ट बीट कितनी थी 72, तो आप 72 ही कहोगे, तो 72 में कितना हुआ तो अपन मल्टीप्लाई करके बता देंगे। अब आई होप यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई, एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, कार्डिक आउटपुट क्या है। इतनी बात आई होप आपकी क्लियर हो चुकी। कार्डिक आउटपुट द रिमूव द एक्सक्रेट द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल इन द 1 मिनट, एक मिनट में कितना ब्लड निकला है वो क्या हो गया, कार्डिक आउटपुट। अब एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन आया था। अब देखो कार्डिक आउटपुट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कार्डिक आउटपुट को आप कैसे लिख सकते हो, हार्ट बीट, है ना, हार्ट बीट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट बीट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, क्लियर है। कार्डिक आउटपुट के हार्ट बीट, देखो हार्ट बीट कितनी है 72 है एक मिनट के, 72 1 मिनट, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी, एक हेल्थी पर्सन की 70 ml होती है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगी आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। अब आप ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इधर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा था, है ना, मैं उसकी बात करूँगी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुटअप हुआ था, तो मैं यहाँ से हटा दूँ ये सारी बातें, आपकी क्लियर, आई होप आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कार्डिक आउटपुट वाली बात, वन टाइम कितना निकला वो, और एक 1 मिनट में कितना निकला, है ना। वन टाइम है एक्सक्रेट हो रहा है, रिमूव हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम, और 1 मिनट में कितना पंप हो रहा है वो क्या हो गया, कार्डिक आउटपुट हो गया। चलिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे था, एग्जाम में क्वेश्चन था कि आपको जो कार्डिक आउट